हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल का उपयोग कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक मेजरमेंट शीट, जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो उस मेजरमेंट शीट पे हम लोग काम करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि मेजरमेंट शीट में काम कैसे होगा, मेजरमेंट शीट का असली उसमें कंटेंट क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को, थैंक यू। तो सबसे पहले देखिए मेजरमेंट शीट में कंटेंट्स क्या क्या है। तो ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है, ऊपर के चार पांच रोज तक जो है वो जनरल सेक्शन है। और उसमें देखिए नेम ऑफ वर्क, लोकेशन रिकॉर्डेड बाय, नेम ऑफ वर्क मतलब मेजरमेंट्स कहाँ के हैं, लोकेशन क्या है उस प्रोजेक्ट की, रिकॉर्डिंग किसने किया बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कौन सी डेट को रिकॉर्ड हुआ, मेजरमेंट डेट है ध्यान में। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे ये येलो मार्किंग जो किया हुआ है उसमें कॉलम्स देखिए, पहला कॉलम क्या कहता है, सीरियल नंबर, उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, उसके बाद मेजरमेंट्स इन मीटर, उसके अंदर देखिए चार सब कॉलम्स है। पहला कॉलम है नंबर्स, दूसरा है लेंथ, तीसरा है विड्थ, चौथा है डेप्थ। विड्थ को दूसरा एक वर्ड है ब्रिड्थ, दोनों का मीनिंग सेम है। और डेप्थ को हम लोग कभी कभी लिखते हैं हाइट। देखिए हाइट और डेप्थ में फर्क क्या है, अगर कुएं को मैं ऊपर से देखता हूँ तो उसकी गहराई को हम लिखेंगे डेप्थ, और कुएं में कूद के अगर मैं नीचे जाके खड़ा रहूँ उसके बॉटम में और वहाँ से अगर ऊपर देखूँ तो उसको कहेंगे हम हाइट, ये ध्यान में आएगा। तो उसके बाद अगला जो कॉलम है वो है डिडक्शंस। डिडक्शन मतलब क्या, कि अगर जैसे एक वॉल का मेजरमेंट आप ले रहे हो तो उसमें विंडो है तो विंडो का डिडक्शन आएगा ना उसमें, सो वो है डिडक्शंस, घटाना। उसके बाद क्या है, नेट क्वांटिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है नेट क्वांटिटी। ओके वेरी गुड। अब एक ब्रिक वॉल को सबसे पहले इमेजिन करो, एक आप ब्रिक वॉल के सामने खड़े हो, उस ब्रिक वॉल की लंबाई कितनी है, 6.85 मीटर्स। देखिए लेंथ वाले कॉलम में लिखा है 6.85 मीटर्स। कितनी विड्थ है उसकी, 200 mm, तो देखिए विड्थ में मैंने लिखा है 0.2 मीटर्स। उसके बाद उसकी हाइट मैंने चेक की 3.35 मीटर्स, देखिए लिखा है यहाँ पे। ये जब ऐसी कितने वॉल्स है वहाँ पे, चार वॉल्स, तो देखिए नंबर्स में लिख दिया मैंने 4। तो देखिए जैसे ही मैंने ये एक्सेल में डाला, सो 4 इंटू 6.85 इंटू 0.2 इंटू 3.35, डिडक्शंस कुछ नहीं है, तो देखिए नेट क्वांटिटी उसमें अपने आप आ गई 18.36 क्यूबिक मीटर्स, लास्ट कॉलम आए ध्यान में। अब उसमें देखिए विंडोज का डिडक्शन हम लोग करेंगे, विंडो का साइज क्या है, 1.5 मीटर्स बाय 1.2 मीटर्स, विड्थ है उसकी 1.5 मीटर और उसकी डेप्थ है 1.2 मीटर्स। तो विंडो के जगह पे ब्रिक मैसोनरी नहीं होगी, उसका डिडक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए डिडक्शन क्या लिखा है, 4 इंटू 1.5 इंटू 0.2 इंटू 1.2, तो डिडक्शन के कॉलम में मैंने लिख दिया 0.36 आए धन में। तो अब देखिए ऊपर हमारी टोटल ब्रिकवर्क की क्वांटिटी आई थी 18.36, उसमें से ये 0.36 डिडक्ट हुआ, तो नेट क्वांटिटी कितनी आई, 18 क्यूबिक मीटर्स। तो फोर्थ लास्ट कॉलम में हमने लिख दिया 18 क्यूबिक मीटर्स आया ध्यान में, फैंटास्टिक। हाँ अब चलिए आगे। अब देखिए इंटरनल प्लास्टर उस वॉल के ऊपर, तो हमने अगले आइटम लिखी इंटरनल प्लास्टर, कितनी वॉल्स है, फिर से 4 मीटर्स,
उसकी लंबाई कितनी है, 6.85 मीटर्स। अब यहाँ पे विड्थ नहीं आएगी हाँ, क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। सो उसकी हाइट 3.35, तो एरिया कितना हो गया, 4 × 6.85 × 3.35, तो एरिया आ गया 91.79 स्क्वायर मीटर्स। अब इसमें विंडोज़ का डिडक्शन आएगा, सो 4 windows × 1.5 × 1.2, ये डिडक्शन में हम लिखेंगे 7.2। तो अभी देखिए 91.79 − 7.2 ये आया 84.59। सो ये आ गया प्लास्टर का नेट एरिया। आया ध्यान में? फैंटास्टिक।